हेलो फ्रेंड्स, ब्लॉगर दादा चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑप्टिमा के अपने नए वर्जन के विषय में, जो कि फाइनली हीरो ने बाजार में जो मार्केट में है वो उतार दिए हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हीरो ऑप्टिमा CX 2.0। तो फ्रेंड्स, मुझे काफ़ी दिनों से वेट था कि कब ऑप्टिमा को इम्प्रूव करेंगे, कब उसका नया वर्जन निकालेंगे और कब इसको जो है ठीक करेंगे। तो हीरो ने जो है अपनी गलती ठीक करी है, जो भी उसमें बिल्ड क्वालिटी वगैरह जितनी भी चीज़ें थी सारी की सारी चेंज कर दी हैं और अपने सामने आ गई हैं ऑप्टिमा के दो नए वर्जन CX 2.0 और 5.0। तो चलिए आज की वीडियो में देखते हैं कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुई हैं अपनी ऑप्टिमा में और क्या प्राइस की पड़ रही है और जो बिल्ड क्वालिटी है जिसकी काफ़ी ज़्यादा शिकायत रहती है कस्टमर्स को, तो वो सही करी है या नहीं। तो सबसे पहले आपको देखने को मिल जाता है एक प्यारा सा लुक हीरो ऑप्टिमा CX ER का, जिसमें मैं देख पा रहा हूँ कि मडगार्ड अपना जो है वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है और मैट फिनिश में आपको दिख जाती है अपनी ऑप्टिमा। व्हील साइज भी मुझे अच्छा लग रहा है, जितनी भी चीज़ें हैं ओवरऑल सारी सारी चीज़ें तो मुझे अपनी जो पुरानी ऑप्टिमा है CX से काफ़ी बेहतर और काफ़ी अच्छी दिख रही हैं। क्वालिटी देखने पे ही जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी देखने पे लग रही है और यहाँ पे जो भाई साहब लिख दिया है ना हीरो, वो देखने में काफ़ी गजब लग रहा है। क्योंकि फ्रेंड्स, जब भी आप ये लेके निकलते हैं तो पता ही नहीं चलता है कि हाँ ये किस कंपनी की बाइक है। तो यहाँ पे जो हीरो लिख दिया है वो काफ़ी अच्छी एक चीज़ मुझे लग रही है एज ए कंज्यूमर, एज ए कस्टमर। तो अब आते हैं इसके कुछ फीचर्स के विषय में। तो न्यू जनरेशन इलेक्ट्रिक 2D मोबिलिटी, एडवांस सेफ्टी वगैरह इसमें दे रखे हैं। बैटरी सेफ्टी अलार्म है, इसमें आपका अलार्म बज जाता है अगर आपकी बैटरी में कोई प्रॉब्लम हो। ड्राइव मोड लॉक का फीचर आपको मिल जाता है फ्रेंड्स। और ये जो फीचर आपको दिया गया है पार्किंग ब्रेक्स, ये काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ हीरो वालों ने सोची है। फीडबैक जो उनको मिला है वो काफ़ी अच्छा मिला है। पार्किंग ब्रेक जो है वो बहुत ही ज़रूरी एक चीज़ थी एज ए राइडर, जैसा कि मैंने फेस किया इसमें, क्योंकि मुझे कहीं भी अगर ढलान पे रुकना है तो ब्रेक लगा के रुकना पड़ता था या फिर काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती, मैं तो परेशान था इस चीज़ से। तो पार्किंग ब्रेक आ गई, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। साइड स्टैंड सेंसर, ये तो चलो ठीक ठाक चीज़ है ही है बाकी। और फिर कॉम्बी ब्रेक सिस्टम, ये भी काफ़ी अच्छा आपको मिल जाता है। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ें जो हैं हीरो वालों ने इनको इम्प्रूव किया है। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पे मिल जाती है आपको बैटरी टेक्नोलॉजी, एक्स्ट्रा एनर्जी बैटरी। ये इन्होंने 5 साल जो है अपनी बैटरी को टेस्ट किया है जाड़ा गर्मी धूल बरसात में, जो कि काफ़ी अच्छा बैटरी जो है इनका चला है। और एडवांस BMS टेक्नोलॉजी आपको इसमें मिल जाती है। BMS जो फ्रेंड्स होता है वो बैटरी को कंट्रोल करता है उसमें आउटपुट इनपुट में, तो वो भी काफ़ी अच्छी चीज़ इन्होंने इम्प्रूव करी है। प्लस एक ये चीज़ आपको देख करके आश्चर्य होगा, काफ़ी अच्छी चीज़ दी गई है हाइबरनेशन मोड, यानी कि इस मोड में क्या होगा, आपकी जो बैटरी है वो स्लीप मोड में चली जाएगी। बैटरी में जो होगा वो क्या कहते हैं, बैटरी ड्रेन, जो कि ऑप्टिमा में अपनी है बैटरी ड्रेन नहीं होगी। और कभी भी आपने जैसे अपना, इन्होंने लिखा है कि अगर आप 1.5 साल तक अपना स्कूटर जो है वो भी खड़ा कर देते हैं तब भी आपकी जो बैटरी है वो डिस्चार्ज नहीं होगी, यानी कि जो प्रॉब्लम अपनी ऑप्टिमा में थी जो बैटरी जो है ड्रेन हो जाती थी, तो ड्रेन की इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। तो आप आसानी से जो आपका एवरेज है वो काफ़ी अच्छा आपको मिलने वाला है। फिर AIS 56 जो सरकार के द्वारा जो मानक है उनके हिसाब से ये गाड़ी बनाई गई है, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। हो सकता है ऑप्टिमा को फिर से सब्सिडी मिल जाए। फिर ये कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी गई हैं, द न्यू हार्ट एंड न्यू ब्रेन, तो अपनी ऑप्टिमा तो प्यारी है ही है और ये कुछ प्यारी प्यारी चीज़ें भी इस पर लिखी गई हैं, तो वो भी काफ़ी अच्छी मुझे दिख रही हैं। फ्यूचर रेडी डिज़ाइन है, डायनेमिक कंसोल है, कंफर्ट राइड है, तो ये तो चलाने पे ही पता चलेगा, बाकी पेपर वर्क है ये सब लिख के दे दिया है। लेकिन वो भाई देखने पे जो लुक दिख रहा है ना भाई साहब, जो क्वालिटी दिख रही है वो मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। बाकी जब ये शोरूम में आएगी तभी देखने पे पता चलेगा, तब का तब देखेंगे, लेकिन अभी तो देखने पे ये काफ़ी अच्छी मुझे लग रही है। और फ्रेंड्स, ये हीरो ऑप्टिमा CX 2.0 है, 5.0 भी मैं आपको दिखाऊंगा इसके बाद में। तो कुछ इसकी चीज़ें देख लेते हैं, एक्सेलेंट बिल्ड क्वालिटी। तो फ्रेंड्स,
फाइनली हीरो के कानों में बात पहुंच चुकी है और इन्होंने ऑफिशियली यहां पे बता दिया कि 5G रगड़ चेचिस है, एक्सलेंट बिल्ड क्वालिटी इन्होंने दे रखी है। तो देते भी क्यों ना फ्रेंड्स, इतनी बेइज्जती हो ही चुकी थी तो बिल्ड क्वालिटी अच्छी कर दी है, लिख तो दिया है, अब देखने पे पता चलेगा। आई थिंक जैसी दिख रही है वैसी होनी भी चाहिए और जो बिल्ड क्वालिटी है वो मुझे ओवरऑल ठीक ही लग रही है, बाकी देखने पे, फिजिकली देखने पे पता चलेगा। फिर यहाँ पे कुछ की फीचर्स मिल जाते हैं। पावरफुल हब मोटर्स फ्रेंड्स, इसमें 1900 वाट का यानी 1.9 वाट का आपको पिक पावर का मोटर मिल जाता है, यानी कि 1.2 से 1.2 जो होता है इसका नॉमिनल पावर आपको मिलता है, जबकि ऑप्टिमा जो अपनी पुरानी वाली है उसमें 1.2 का जो होता है वो पीक पावर मिलता था। तो ये आप देख सकते हैं कि जहाँ से ये नई ऑप्टिमा शुरू होती है वहाँ पे उसका एंड हो जाता था, उतनी पावर में उसका एंड हो जाता था, ठीक है फ्रेंड्स। तो 1.2 तो इसका मतलब नॉर्मल पावर है, शुरुआती पावर है, तो पावर काफ़ी अच्छा मिलेगा, काफ़ी अच्छा टॉर्क आपको मिलेगा। फिर स्मार्ट इंफॉर्मेटिव स्मार्ट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है, तो ये तो काफ़ी मेरे जो है वो मन की बात कर दी ऑप्टिमा वालों ने, क्योंकि यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है और उतनी ज़्यादा लाइट भी नहीं है, देख सकते हैं जितने में दिख रहा है उतने में ही केवल लाइट है, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ मुझे लगी। पार्किंग ब्रेक ये तो दिख ही रहा है, काफ़ी अच्छी चीज़ है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम और टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, तो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और रीजनरेटिव ब्रेकिंग तो अपनी पुरानी ऑप्टिमा में भी मिल जाती थी, हो सकता है कुछ इम्प्रूवमेंट किए गए हों। USB चार्जिंग दे रखी है, लेकिन अगर अच्छी फास्ट चार्जिंग नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है इसका, बाकी हीरो वाले ने जो किया हो वो तो अब देखने पे ही पता चलेगा। तो फ्रेंड्स बात की जाए रेंज की, तो रेंज आपको 89 किलोमीटर पर चार्ज मिल जाती है, तो जिस हिसाब से इसका मोटर की पावर बढ़ाई गई उस हिसाब से जो इसकी रेंज है वो काफ़ी अच्छी है। और फिर बात की जाए स्पीड की, तो स्पीड भी इसमें इम्प्रूव कर दी गई है, स्पीड आपको 48 KMPH की मिल जाती है, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। स्पीड मोड्स जो हैं आपको वो इको केवल मिलता है, कोई भी आपको ज़्यादा मोड्स नहीं मिलते हैं, जबकि 5.2 में आपको इको और स्पोर्ट दोनों मोड मिल जाते हैं। नंबर ऑफ बैटरी, तो जैसा कि मैंने बताया ये CX है अपनी, तो इसमें सिंगल बैटरी आपको मिलती है, जबकि बैटरी कैपेसिटी इसमें आपकी बढ़ गई है, 2 किलोवाट की आपको जो बैटरी है वो मिल जाती है। चार्जिंग टाइम की बात की जाए तो 4.5 आवर्स में जो है वो आपकी बैटरी जो होती है वो फुल हो जाती है। फिर बात की जाए मोटर पावर की, तो मोटर पावर के विषय में मैं आपको बता चुका हूँ कि 1.2 किलोवाट का जो होता है वो आपका नॉर्मल पावर होता है, और जो इसका पीक पावर जाता है वो आपका 1.9 किलोवाट का पीक पावर जाता है, तो काफ़ी पावर जो है वो अच्छा है और जो स्पीड है वो भी ठीक है, तो टॉर्क वगैरह जो है आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा, स्लोप वगैरह आपको अगर चढ़ाना है तो काफ़ी अच्छा रहेगा। फिर मोटर टाइप आपको पता ही है, BLDC हाफ मोटर इसमें मिल जाता है, जो कि पीछे पहिए के अंदर पूरा पहिया ही होता है BLDC हाफ मोटर। फिर बात की जाए टायर साइज़ की, तो ऑप्टिमा का ये फीचर काफ़ी, ये चीज़ काफ़ी अच्छी मुझे लगती है कि ये जो है 12 इंच के जो हैं वो टायर देते हैं, CX और मेट्रो के आपको इसमें टायर मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स बात की जाए चार्जर की, तो चार्जर आपको इसमें मिल जाता है 10 एम्पियर का स्मार्ट चार्जर। अब स्मार्ट कितना स्मार्ट है मुझे नहीं पता है, ना इसमें कोई मेंशन है, लेकिन 10 एम्पियर जो है वो काफ़ी अच्छी चीज़ है और 4 घंटे में आपकी बैटरी जो है 2 किलोवाट की उसको आसानी से फुल कर देगा, तो 10 एम्पियर काफ़ी अच्छा चार्जर जो है आपको दिया गया है, जबकि इससे पहले जो ऑप्टिमा थी अपनी पुरानी वाली उसमें आपको 6 एम्पियर का चार्जर मिलता है। फिर बात की जाए करवेट की, तो 93 kg का करवेट आपको मिल जाता है, जबकि इससे पहले आई थिंक 75 kg का था करवेट। ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो 165 mm की आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। ग्रेविटी वही सेम पुरानी वाली 60 डिग्री की आपको मिल जाती है, और सीटिंग कैपेसिटी जो है वो 2 एडल्ट्स के लिए आपको मिल जाती है। और बात की जाए कि वारंटी की, तो 7 साल की वारंटी और मैकेनिकल्स, और 4 साल की वारंटी जो होती है आपकी जो वो जो आपकी व्हीकल है उस पर मिल जाती है, प्लस 4 साल की जो है वो फ्री सर्विस भी आपको मिल जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट
तो कुछ इस तरह की थी अपनी ऑप्टिमा। बाकी इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह क्या हैं वो तो अभी मुझे नहीं पता है, लेकिन 4 ईयर की वारंटी आपको मिल जाती है इसमें। तो कुछ ऐसी है अपनी ऑप्टिमा CX 2.0। तो फ्रेंड्स कैसी लगी अपनी ऑप्टिमा CX 2.0 हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर बात की जाए ऑप्टिमा 5.0, तो उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि यही वीडियो काफ़ी बड़ा बन गया है। तो ये तो बात हो गई ऑप्टिमा CX 2.0 की। अगली वीडियो में बात करेंगे हम ऑप्टिमा CX 5.0 की, जो कि काफ़ी मज़ेदार प्रोडक्ट है, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। तो वो वीडियो ज़रूर आप देखिएगा, और अगर आप भी चैनल पर नए हों तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।